हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बानी की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसका पति अभिनव उससे बहुत प्यार करता, लेकिन एक दिन अभिनव की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है और बानी की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अभिनव जी, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? आपके बिना कैसे जीऊंगी? बताइए ना अभिनव जी, उठिए ना अभिनव जी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, पापा जी। बानी अब एक विधवा बन चुकी थी। अभिनव की मृत्यु के एक हफ्ते बाद अचानक से एक दिन बानी की सास चंदा और ससुर मनोहर दोनों ही उसका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं और मनोहर बानी को प्रॉपर्टी के कागज दिखाते हुए गुस्से से कहता है, ये देख, मैंने और चंदा ने अभिनव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं बचा, न रिश्ते से न जायदाद से, और अब तुझे यहाँ से दफा होना पड़ेगा। ये क्या, आप दोनों इस हद तक गिर जाओगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अभिनव जी तो आपके बेटे थे, उनको गए हुए अब तक सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और आपने तुरंत कोर्ट से पेपर बनवाए और प्रॉपर्टी हड़प भी ली। लानत है आप दोनों पर, माँ बाप होने के नाते। चल चल, ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोर, हाँ नहीं तो, और निकल यहाँ से, आई बड़े समझाने वाले। चंदा बानी का सारा सामान घर के बाहर फेंक कर चला देती है और उसे भी जोर से धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, पापा जी, ये जो कुछ भी आप दोनों कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये सब देखकर अभिनव जी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। आप दोनों को तो ऊपर वाला ही देख लेगा अब। हाँ। ज्यादा बकवास मत कर और दफा हो जा जल्दी यहाँ से, बेवकूफ औरत। बानी अब गांव में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है। पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं सिवाय मामा जी और मामी जी के, लेकिन मामा जी ने तो माँ के जीते जी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, तो फिर क्या वो अब मेरी मदद करेंगे? भगवान का नाम लेकर एक बार जाकर देखती हूँ। बानी बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने मामा जी और मामी जी के पास जाती है और उनके दरवाजा खटखटाती है। बानी, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अरे चल निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ। मामा जी, मामी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे अपने ससुराल से निकाल दिया गया है। मेरे पति की मौत के बाद अब मेरा इस भीषण ठंड में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे कुछ दिन तक आपके घर में रहने दीजिए। मामा जी, मामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे यहाँ पर तूने मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है, जो जब चाहे तब आकर रह सकती है? चल अभी के अभी मेरे घर की चौखट से दफा हो जा। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने फिर हमें अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो खाल उधेड़ के रख दूंगी तेरी मैं। हाँ। बेचारी बानी को उसके मामा जी और मामी जी भी सहारा नहीं देते। अब तो उसके पास किसी का भी सहारा नहीं था। वो कुछ जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश तो करती है, लेकिन उसे नौकरी पर कोई नहीं रखता क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी। इसीलिए बानी को ना चाहते हुए भी कचरा बीनने का काम शुरू करना पड़ा। वो कचरे को बीन कर एक झोले में भरती है और फिर उसे कबाड़ी वाले को जाकर वजन के भाव में बेचती है। बानी बिटिया, तुम दिखने में तो काफी अच्छे घर की लगती हो, फिर ये कचरा क्यों बीनती हो बिटिया? कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आखिर तुम तो मेरी बेटी समान ही हो। नहीं काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अकेली ही अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, मुझे मेरे कारण किसी को परेशानी नहीं देनी। बानी कचरा बीन कर जितना पैसा कमाती उसे जमा करके रखती और 5 रुपए का वड़ा पाव खाकर अपना पेट भरा करती और ठंड में पत्तियों को अपने ऊपर ओढ़कर सड़क पर सोया करती। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था
कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। माँ जी, पापा जी, मामा जी, मामी जी, सबने मुझे धोखा दिया। अभिनव जी, आपके जाने के बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। बुला लो मुझे भी अपने पास, मैं अब नहीं रह सकती ऐसे अकेले। तिल तिल करके तड़प तड़प कर नहीं जी सकती। बानी रोज रात बहुत रोती है। दिन गुजर जाते हैं और बड़ी ही मेहनत से बानी पैसे इकट्ठा कर लेती है और उन पैसों से वो अब एक किराए के मकान में रहने लगती है। और उस मकान का किराया कम था, जो कि बानी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। माता रानी, इस नए मकान में मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखिए। बानी अब उस मकान में रहने लगती है। वो दिन भर कचरा बीनती रहती और बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना जीवन यापन करती। कई लोग उसके इस काम का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। अरे ये देखो, ये तो अभिनव की बीवी है ना, उसकी मौत के बाद तो ये रास्ते पर ही आ गई। चंदा काकी ने ही इसे धक्के मारकर निकाल दिया घर से। सुना है इसी ने अपने पति को जहर दिया था और उसे मार डाला। मनोहर काका और चंदा काकी ने ये साफ साफ सारे मोहल्ले में बताया है, इसीलिए ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, यूं इस तरह सड़क पर भिखारन की तरह कचरा बीनते हुए। हाँ। उस औरत और आदमी की इन बातों को सुनकर बानी हैरान रह जाती है। वो उन दोनों के पास जाकर गुस्से से कहती है, देखिए अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो उस बात का बतंगड़ भी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पति को नहीं मारा है, मैं तो उनसे उनके माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती थी और हूँ और हमेशा करती रहूंगी। उल्टा माँ जी और पापा जी ने ही एक हफ्ते बाद सारी जायदाद हड़प कर अपने नाम कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये है चंदा और मनोहर चौबे की सच्चाई और अब वो दोनों मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। बड़ी आई, अरे हर खूनी खून करके झूठी बोलता है। वो तो शुक्र मना कि तेरी सास और तेरे ससुर ने तुझे कानून के हवाले नहीं सौंपा, वरना तू अभी इसी वक्त कचरा नहीं बीनती, वहाँ जेल में चक्की पीस रही होती। चक्की? वैसे जेल में चक्की पीसना इस तरह भिखारियों की तरह कचरा बीनने से तो बेहतर ही है। सही कहा। इस तरह से अपना अपमान सुनकर बानी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर जाकर बहुत रोती है। फिर एक दिन जब वो अपने घर लौटती है तब उसे जला हुआ देखती है। ये क्या, मेरा घर, मेरा मकान, ये आग कैसे लग गई? ये आग लगता है जंगल से फैली है। नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जुटाए थे और रहने के लिए एक छत किराए पर ली थी, वो भी तबाह हो गई। बानी पूरी तरह टूट जाती है और अब तो उसका कोई भी रहने का ठिकाना नहीं था। वो गांव में फिर से दर दर भटकने लगती है और प्यास लगने पर जब वो एक कुएं से पानी लेने जाती है तभी वो एक गाय को कुएं में फंसा हुआ देखकर चौंक जाती है। अरे नहीं, ये बेचारी गाय, ये तो बुरी तरह इस कुएं में गिरकर फंस गई है, मुझे इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। बानी तुरंत एक मुलायम रस्सी लाती है और उससे गाय को कुएं से बाहर खींच निकालती है और इस बात पर ध्यान देती है कि कहीं गाय को बाहर निकलते वक्त कोई चोट ना आए। वो सुरक्षित रूप से गाय को बाहर निकाल लेती है। तभी अचानक से वो गाय एक जादूगरनी में बदल जाती है और ये दृश्य देख बानी चकित हो जाती है। गाय एक जादूगरनी, ये सब कैसे? शुक्रिया बानी, तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकाल कर मेरी बहुत मदद की। एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शक्तियों को अपने वश में करके मुझे कमजोर बना दिया था और मुझे एक गाय बनाकर इस कुएं में ढकेल दिया। मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूँ बानी, मैंने अपने जादू से तुम्हारी पीड़ा को भांप लिया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जादूगरनी जी, आप मेरी मदद कैसे कर पाओगी? जादूगरनी जादुई शक्तियों से एक हॉट एयर बलून को वहां प्रकट करती है जिसमें सवार होकर दोनों ही चांद पर पहुंचते हैं। अब चांद ही है तुम्हारा घर, अब यही है तुम्हारा बसेरा बानी। ये लो ये जादुई छड़ी, इसकी मदद से तुम यहाँ आसानी से रह पाओगी। धन्यवाद जादूगरनी जी, आपका लाख लाख धन्यवाद,
मैं सदैव आपकी एहसान मंद रहूंगी। और इस तरह एक गरीब कचरे वाली चांद पर जाती है और वहीं अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत करती है। ईशानी की शादी विक्रम से हुई होती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही विक्रम की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद ईशानी विधवा बन जाती है और वो अपने मायके चली जाती है वापस। मायके से ही जॉब पर जाना शुरू करती है। भाभी किंजल उसे रोज सुबह टिफिन पैक करके देती। ये लो ईशानी, टिफिन पूरा खत्म करके आना, और हाँ, आते समय ज्यादा लेट हो जाए तो अपने भैया को कॉल करके बुला लेना, लेकिन अकेले मत आना। थैंक यू किंजल भाभी, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। विक्रम के जाने के बाद भी आप रात रात भर मेरे साथ ही रहती थी। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह संभाला। थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाभी। बस बस, अब सुबह सुबह रुलाओगी क्या? जाओ, हैव अ गुड डे। ईशानी जॉब पर जाती और इसी बीच उसकी मुलाकात लखन नाम के लड़के से होती है, जो दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन कुछ कमाता नहीं। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन माजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, My name is Lakhan, सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन। बेबी, तुम कितने क्यूट लगते हो नाचते गाते हुए, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। स्वीटहार्ट, अपन सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तुम अपना जान है, बोले तो जहान है। आई लव यू मेरी जान, ये लो तुम्हारे लिए गुलाब, अपन खुद बगीचे से दौड़ के लाया है, ये देखो खून भी निकला था। ओह माय बेबी, सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना अब, वो अच्छी बात है। लखन घुटनों के बल बैठकर ईशानी को गुलाब देता है और इस तरह दोनों ही अपनी रोमांटिक डेट करते हैं। दोनों अब आए दिन थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट और कई जगह पर साथ में घूमने जाने लगते हैं। एक दिन एक कैफे में, लखन बेबी तुम कब काम शुरू करोगे? अगर ऐसे ही नल्ले रहे तो मेरे घर वाले मेरी तुमसे कभी शादी नहीं कराएंगे। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, मेरी शादी होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। स्वीटहार्ट, तुम टेंशन क्यों लेती हो फालतू का? अपन है ना, अपन सब ठीक कर देगा, बस थोड़ा सा टाइम दो अपन को। ये लो, तब तक ये कॉफी पियो। लखन ईशानी को कॉफी पिला रहा होता है कि तभी ईशानी देखती है कि उसका भाई ध्रुव भी उसी कैफे में है। ओ नो, ध्रुव भैया, और वो भी इसी कैफे में? अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना बेबी, तो आज तो भूकंप आ जाएगा। एक काम करो स्वीटहार्ट, तुम अपने मुंह पर अपना दुपट्टा ओढ़ लो और कट लो यहाँ से। ईशानी अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और वहां से चली जाती है। लखन और ईशानी के अफेयर के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ईशानी के बदले बदले व्यवहार से सभी को उस पर शक होने लगता है। वो रात में देर से घर आती है, फोन में देख देख कर मुस्कुराती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर जाती है तभी उसका फोन बजता है। अरे ये तो ईशानी का फोन है, लगता है गलती से भूल गई है, कह देती हूँ कि बाहर गई है। किंजल फोन कॉल रिसीव करती है, तभी लखन कहता है, जानेमन कहाँ हो तुम, अपुन तो इधर तुम्हारे प्यार में देवदास बन गयला है, अपुन को तुम्हारी बहुत याद सता रही है, घर पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना अपुन दोनों के चक्कर के बारे में? किंजल ये सब सुनकर चौंक जाती है और वो फोन नीचे रख देती है। इसका मतलब ईशानी का अफेयर चल रहा है, और इस लड़के की भाषा को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गुंडा मवाली है। मैं क्या करूं, ध्रुव को ये बात बता देती हूँ, या नहीं, पहले खुद सारी बात ठीक से कंफर्म कर लेती हूँ। लखन और ईशानी जब एक दूसरे को मिलते हैं तभी लखन ईशानी को फोन कॉल के बारे में बताता है। क्या, फोन कॉल उठाया तो था लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शायद नीचे गिर गया होगा और गलती से रिसीव हो गया होगा। चल, तो मामला फुल ऑन सेटेबल है। अच्छा शोना, तुम अपन को 50,000 रुपए दोगी क्या? वो
अपुन के भाई का ऑपरेशन करना है हार्ट का, इसलिए 50,000। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहां से? स्वीट हार्ट, आई लव यू ना, तुम तो मेरे जीने का जरिया हो, मेरी सांस हो। बाबू प्लीज प्लीज मदद कर दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। ईशानी अपनी सेविंग्स के गुल्लक फोड़कर उसमें से 50,000 रुपए लखन को देती है और लखन पैसे मिलते ही ईशानी को कस के झप्पी देता है। लखन यूं ही ईशानी से आए दिन पैसे मांगता ही रहता है और प्यार में अंधी ईशानी उसे पैसे देती ही रहती है। एक दिन, शोना चलो ना कहीं पर वेडिंग हनीमून पे चलते हैं, तुम और अपुन दोनों धूम मचाएंगे। लेकिन बेबी, हम यहाँ हमारे शहर में कितना डर डर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरी जगह तो 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा, बहुत रिस्की होगा। बाबू, इश्क है तो रिस्क है, मुझे नहीं पता, हम मालदीव चल रहे हैं और तुम पैसे ला रही हो, कल मुझे 2 लाख दे देना और फिर मैं टिकट्स और बाकी का बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन बेबी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये बेबी अभी कुछ नहीं सुनेगा। ईशानी बेचारी धर्म संकट में आकर अपने घर की तिजोरी से 2 लाख का बंडल चुपके से चुराती है और लखन को दे देती है, जिसके बाद से लखन एकदम से गायब हो जाता है, न फोन रिसीव करता है ना ही कहीं मिलता है। ईशानी बहुत घबरा जाती है और सारी बात अपने घर वालों को रोते रोते बताती है। तभी वहाँ पुलिस आकर कहती है, वो निकम्मा नालायक लखन 420 चोर है, उसने ऐसे ही न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और उनसे पैसे लूटकर चला गया है। ईशानी की माँ राजेश्वरी और पिता सहदेव उसे खूब डांटते हैं। मानती हूँ बहुत ही कम समय में चले गए दामाद जी, जिस वजह से तू अकेली पड़ गई, लेकिन ईशानी बिटिया, सही और गलत की समझ तो तुझे होनी ही चाहिए थी ना, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? हाँ, और नहीं तो क्या, 2 लाख गए हैं पूरे हमारे। मुझे तो सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जब मैंने वो फोन कॉल रिसीव किया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ईशानी, हमें तेरी दूसरी शादी या अफेयर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बाकी पुराने ख्यालों वाली फैमिलीज की तरह नहीं है जो एक विधवा औरत को जूती की नोक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तूने जिस आदमी से प्यार किया वो कितना गलत था, इसका तुझे अंदाजा भी है? ईशानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कितनी बेवकूफ थी मैं कहा और वो लोफर चोर कहा, छी, किस गंदे आदमी से प्यार किया था मैंने। लेकिन नहीं, अभी मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी अपने जीवन की। एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद लखन पुलिस के हवाले आ जाता है और उसके चुराए हुए पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ईशानी अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी एक अमीर घर के अच्छे लड़के के साथ शादी भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।